स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार रस्तोगी आज आपके सामने हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि चीन ने अपने यहाँ 3 बच्चों के जन्म को मान्यता दे दी है। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। और इसमें लिखा है कि समाचार एजेंसी सिंजुआ के अनुसार, यानी कि समाचार एजेंसी जो है सिंजुआ, ये चाइना की है। तो इसमें लिखा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की अध्यक्षता में एक कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक के दौरान चीन में 3 बच्चों के जन्म की अनुमति दी गई है और 2 बच्चों की नीति को हटा दिया गया है। यानी कि इससे पहले चाइना में 2 बच्चों के जन्म को मान्यता मिली हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में चीनी सरकार ने डिसीजन लिया है कि चीन में 3 बच्चों को जो है जन्म दे सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। और आप लोग अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको ये कैसी लगी। तो ये ध्यान रखना है पॉइंट आपको कि समाचार एजेंसी सिंजुआ के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की अध्यक्षता में एक कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक के दौरान चीन में 3 बच्चों के जन्म की अनुमति दी गई है और 2 बच्चों की नीति को हटा दिया गया है, क्योंकि इससे पहले 2 बच्चों के जन्म को मान्यता मिली हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में डिसीजन लिया है चीन ने कि 3 बच्चों को के जन्म को जो है मान्यता मिली है। और इसमें नीचे लिखा है कि क्योंकि यहाँ बूढ़ी होती आबादी से परेशान, चीन प्रमुख नीतियों और मानक के तहत यह फैसला लिया गया है। यानी कि चाइना की जो अधिकांश जनसंख्या है वह बूढ़ी हो चुकी है, जिसकी आबादी जो है संख्या जो है यानी कि ज़्यादा है, और युवा जो हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इन्होंने डिसीजन लिया है। और इसी वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि और क्या वजह रही है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि चीन से ही वुहान शहर से कोरोना वायरस निकला है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और कोरोना वायरस की वजह से चीन को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, यानी कि चाइना में लाखों की तादाद में लोग जो हैं काफ़ी मर चुके हैं। इसलिए चीन की सरकार ने ये नया डिसीजन लिया है कि 3 बच्चों के जन्म को मान्यता दे दी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तो ये ध्यान रखिए आपकी चीन के राष्ट्रपति ने ये डिसीजन लिया है कि 3 बच्चों के जन्म को मान्यता प्रदान की गई है अभी हाल ही में, और 2 बच्चों की नीति को हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो सरकार है वह कम्युनिस्ट पार्टी की है, ये भी आप ध्यान रखें। और चीन दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश इस समय है। और इसमें लिखा है कि नवीनतम जनगणना के आंकड़ों से पिछले 1 दशक में चीन के कामकाजी समुदायों की जनसंख्या कम होने का पता चला है, जबकि 65 वर्ष से अधिक उम्र वालों की संख्या बढ़ी है। यानी कि चीन में एक नवीनतम जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित किए गए थे, उसमें ये बताया गया था कि चीन में कामकाजी समुदायों की जनसंख्या के कम होने का पता चला, और जबकि 65 वर्ष से अधिक उम्र वालों लोगों की संख्या चाइना में ज़्यादा है, यानी कि युवा जो हैं उनकी संख्या घट रही है, जिसकी वजह से चीन ने ये डिसीजन अपने यहाँ लिया है। और इसमें लिखा है कि चीन अर्थव्यवस्था और समाज पर असर पड़ा है, यानी कि चीन की अर्थव्यवस्था और समाज पर असर पड़ा है, क्योंकि जनसंख्या घटी है, ऐसा चाइना का मानना है।
और ये जो हम आपको जानकारी बता रहे हैं यह दैनिक जागरण के माध्यम से हमें जानकारी मिली है। और इसमें नीचे लिखा है कि इसलिए चीन की दो बच्चों की नीति को हटाकर तीन बच्चे की नीति को मंजूरी दी गई है। यानी कि चीन ने अपने यहाँ दो बच्चों की जो नीति थी पहले, यानी कि दो बच्चों का यानी कि जन्म हो सकता है एक परिवार में, लेकिन उस नीति को हटा दिया है। अब तीन बच्चों की जन्म की नीति को जो है चाइना के लोग जो हैं पालन कर सकते हैं। ये डिसीजन लिया गया है चीन की सरकार के द्वारा, क्योंकि ये हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो है कामकाजी समुदायों की जनसंख्या कम होने लगी थी, ऐसा चाइना का मानना है, और 65 वर्ष से अधिक उम्र वालों की संख्या जो है बढ़ने लगी है, यानी कि बुजुर्ग लोगों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा बड़ी है। तो ये ध्यान रखें, आप जितने ही पॉइंट हमने आपको बताए हैं यह है सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये मान के चलिए कि आपका जो है एक नंबर इस वीडियो से पक्का हो चुका है, क्योंकि चाइना के अधिकांश जो है क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी मिल जाए। और ये पॉइंट जो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाए जा रहे हैं यह है IAS, PCS, UP PAT और RO, ARO, SSC, NTPC और GIC, GDC, NET सभी के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। इन सही पॉइंटों को समझने के बाद आपको इस टॉपिक पे लिखने में आसानी मिलेगी। यानी कि जिस प्रकार निबंध के क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में, इन पॉइंटों को पढ़ने के बाद आप आसानी से निबंध भी लिख सकते हैं जो कि कंपटीशन में पूछे आते हैं, जो कि करंट के क्वेश्चनों पर टॉपिक लिखने के लिए आते हैं 100 वर्ड में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आप लोग धन्यवाद।